जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो हमारे देश का जो इंडी गठबंधन है वो गले में एकदम जनेऊ पहन के वोट मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ ऐसे नरसंहार होता है, बर्बरता होती है, वो वीडियो सामने आती है जो किसी को भी विचलित कर दे, हिंदू तो बात गंदा है ना, बिल्कुल ही चुप रहते हैं। तो ऐसे में जो मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, उसको कितना वाजिब आप समझते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और एनडी गठबंधन के जितने भी दोहरे चाल चरित्र के नेता हैं, जिनको हम दो मुंह साफ बोलते हैं, उसमें विवेक श्रीवास्तव भी आते हैं, ऐसे लोगों को देश से बहिष्कार करना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की ही लड़ाई यहाँ हो रही है। बांग्लादेश में चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और पूरे भारत के जितने भी विपक्षी हैं आज मौन है। उसके पीछे एक ही कारण है, उनका दोगलापन, दोगला चेहरा, उनका जो चरित्र है वह तो द्विअर्थी है, दो मुहे सांप की तरह है। और मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आज जितने भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू नेता होकर के सेकुलर नेता जो बने हुए हैं वो लोग चुप हैं, मौन हैं, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सब लोग मुंह बंद किए हुए हैं। ऐसे दोगले चेहरे को बेनकाब करने की जरूरत है और विवेक श्रीवास्तव जैसे गद्दार हिंदू के नाम पर कलंक, श्रीवास्तव की जगह खान लगा लो, ऐसे लोग जो हिंदुओं के कत्लेआम के बाद हिंदू मुस्लिम को बोलते हैं कि मुसलमानों को भी मारा गया, ऐसा नहीं है। वहां पर अगर जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई है। आज मैं भारत सरकार से और देश के गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरह से कमांड किया जाए, यूएन में जाकर के उस पर आवाज उठाया जाए, और नहीं जरूरत पड़े तो फिर बांग्लादेश के ऊपर हमला भी किया जाए, क्योंकि जब तक से यह हमला नहीं होगा तब तक वहाँ हिंदू का कत्लेआम नहीं बंद होगा। और देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दोहरे चरित्र वाले दोगले चेहरे को, उनको बेनकाब आज बांग्लादेश के कारण हो गया है। ऐसे लोगों से देश की जनता को बचने की जरूरत है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं आप जो कह रहे हैं, मैं एक बार दीपक वोरा सर से ये समझने की कोशिश करूंगी कि दीपक वोरा सर, जो भी बात यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं, आप इत्तफाक रख रहे हैं उनकी बात से? जितना प्रेशर हम लोग डाल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए, वो तो हम डाल रहे हैं और डालेंगे। कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट है, समझा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, इसका अपना असर पड़ता है। अब जहां तक आचार्य जी ने कहा कि हमला कर देना चाहिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा टिप्पणी पे, ये उनकी अपनी ओपिनियन है। तो यू नो आई कैन सी दैट वो बहुत नाराज हैं, परेशान हैं, बट जो कुछ हम कर सकते हैं वी विल डू द बेस्ट। बांग्लादेश से भी हमारे संपर्क बड़े अच्छे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये करिएगा, उनकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनसे हमारा संपर्क है। तो मेरे को लगता है कि कुछ टाइम लगेगा, ये स्थिति जो है इतनी जल्दी काम डाउन नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। जो पहला मैसेज पीएम ने भेजा कि भाई मुबारक हो, आप वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बहुत मायने हैं कि हमने आपको आप रिकॉग्नाइज किया, अब आप करिए जो आपको करना है, इसका बहुत मतलब होता है। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। सुशील पंडित जी, एक तो आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि अब समाधान क्या है? प्रदर्शन तो चल रहे हैं जगह जगह पे, चाहे वो भारत में हो चाहे बाकी जगहों पे हो, लोग ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका समाधान दिखता क्या, क्योंकि अंतरिम सरकार ने कमान संभाल ली है, इसके बाद आगे क्या आप देख क्या पा रहे भविष्य के लिए? जी, हमारे इस पैनल पे एक वरिष्ठ राजनयिक दीपक वोरा जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनके होते हुए भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, और जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, सार्वभौमिक राज्य हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका एक उत्तरदायित्व होता है, और वो कॉन्सेप्ट है R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अगर उस देश की अपनी सरकार अपने निहत्थे नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ दिखे,
और वहां पर व्यापक जानमाल की हानि होती दिख रही हो तो आसपास के सार्वभौमिक राज्यों की ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो हस्तक्षेप करें। 1971 में भारत ने हस्तक्षेप किया, भारत पर आक्रमण हुआ लेकिन उसके बावजूद भारत ने हस्तक्षेप किया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। उस समय भी वहां के व्यापक जानमाल की हानि हो रही थी, वहां एक जेनोसाइड चल रहा था और इस पर अमेरिकन कॉन्सुलेट ने आज ब्लड टेलीग्राम, वो एक डॉक्यूमेंट आज भी गूगल पर उपलब्ध है, आप ढूंढ सकती हैं नेट पर, उन्होंने ब्यौरा दिया कि किस तरह वहां पर जानमाल की हानि हो रही थी। और ये इतिहास है, भारत ने हस्तक्षेप किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व है, ये कोई चाहने का या ख्याल का विषय नहीं है कि अगर हम माने चाहें इच्छा हो तो करें, नहीं, ये उत्तरदायित्व है। और ऐसे उत्तरदायित्व को पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मुझे याद है जब श्रीलंका में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, लेकिन राजकुमार पाल जी एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि समझना है कि आखिर अब सरकार बदल चुकी है, तख्ता पलट हो गया है, छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें इस्लामिक कट्टरपंथ आ जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि जब अंतरिम सरकार बन गई है उसके बाद भी शांति कायम क्यों नहीं हो पा रही है, और जो अल्पसंख्यक बॉर्डर तक पहुंच गए हैं अब उनको शरण कहां मिलेगी? देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, शैलेश तिवारी जैसे लोगों को सूचना करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में हिंदू का बंटवारा नहीं हुआ है। अब हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते, हिंदुस्तान है ये, गजवाए हिंद की मांग वो लोग करते हैं, वो आपके हिंदुस्तान में गजवाए हिंद चाहते, हमारा हिंदुस्तान में बंटवारा, इसलिए दोनों को कंट्रडिक्ट करके भावना खराब करते, हमारा हिंदुस्तान है, आप करिए गजवाए हिंद देखेंगे। और सरकार जो है वो चुनी हुई नहीं है, एक अंतरिम सरकार है, और जहां पुलिस और जहां मिलिट्री साथ न दे कोई भी निभा नहीं सकता। बिल्कुल, मैं सर आपकी बात पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि आपने शैलेश तिवारी जी को कोट करके कहा और बिल्कुल ठीक बात है शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी को एक बार ले लीजिए फ्रेम में। आचार्य जी, बात ठीक है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं आपका गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही इधर भी चलता रहा, ऐसे ही दूसरा पक्ष भी सोचने लगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन माफी के साथ रोक रही हूँ, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, वायनाड इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वायनाड आप देखिए कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आती है, भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन और जिस तरह से वायनाड पूरा वीरान हो चुका है। मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी। तो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया था और अब पीएम मोदी वायनाड पहुंचे हैं। वायनाड में जिस तरीके से देखा आपने कि लैंडस्लाइड के बाद और जिस तरीके से मौसम की तबाही देखी हमने, उसके बाद वीराना छाया हुआ है, कई इलाके ऐसे जो जमींदोज हो गए और उसके बाद अब बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो सेना के जवान है उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि फिलहाल वहां पर कैसे है, क्योंकि एनडीआरएफ की ओर से अभी भी कई इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि कई गांव ऐसे थे जो जमींदोज हो गए, वहां पे जमीन समतल हो गई जहां पे कभी घनी आबादी थी, और शायद यही वजह कि पीएम मोदी जब आज पहुंचे तो पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया कई इलाकों का कि अभी बाढ़ के हालात क्या है, इसके बाद वो पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के पास वायनाड में, जहां वे उनसे हालचाल जान रहे, जानने का प्रयास करें कि अभी वर्तमान में हालात क्या है। प्रियंका, बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में पहुंचे हैं, केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद तबाही का जो खौफनाक मंजर आया था वो हर किसी ने देखा और हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो, क्योंकि कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जिनका नामो निशान खत्म हो गया है। जब वहां उस जगह पलटकर देखते हैं तो समझ ही नहीं आता कि यहां पर पहले गांव था या ये खाली जमीन, ऐसी बंजर जमीन पड़ी हुई थी। आप सोचिए, कई लोग ऐसे हैं जो मलबे में ही दबे चले गए, कईयों की लाश नहीं मिल पाई, लेकिन रेस्क्यू का काम कई दिनों तक चलता रहा। पीएम मोदी वायनाड पहुंचे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे हालात सामान्य किए गए। और ये जो तस्वीरें हिमानी, इसके बाद वायनाड के लोगों के मन में एक राहत की उम्मीद तो जरूर जागेगी।
बिल्कुल, गांव के गांव पूरे तबाह हो गए, जिस तरह से आप और अनामिका भी यहां पर जानकारी दे रहे थे। गांव के गांव तबाह हो गए, लोगों का कुछ पता नहीं, मलबे में उन जिंदगियों के तलाश की जा रही थी, उन जिंदगियों को ढूंढा जा रहा था। एक बच्चा, वो छोटा, उसकी तस्वीर भी देखिए सामने आई कि 4 दिन बाद उसको रेस्क्यू कर निकाला गया। तो आप ये देखिए कि ऐसी ऐसी तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आती है। और ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का।